बदमाशो, अपने जगदीश भाई साहब के लिए इतने सारे गुलदस्ते और हमारे लिए एक भी ना, ये भी कोई बात हुई? भाई साहब आ गए। क्या बात है, जैत सर की पूरी बानर सेना हमारे घर पर, कोई खास बात है क्या? मेरे सारे दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आए भाई साहब, अब विधायक बन गए हो ना, इसलिए भाई साहब ये आपके लिए। थैंक यू। मैं भी लाया हूँ भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और ढेर सारा प्यार। मैं भूला नहीं हूँ कि नंदू के साथ मिलकर तुम सबने मेरे पोस्टर लगाए थे, आखिर मेरी जीत में तुम सबका भी तो हिस्सा है। थैंक यू सो मच। अरे ऐसे सूखे सूखे थैंक यू से काम नहीं चलेगा विधायक साहब, इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और कुछ सालों में तो ये खुद भी वोट डालने लायक हो जाएंगे, अभी से खुश रखना पड़ेगा इन सबको। बिल्कुल, इन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर हमें पार्टी दो। पार्टी? कैसी पार्टी भाई? आपके विधायक बनने की खुशी में पार्टी तो बनती है भाई साहब, नहीं तो मैं क्या फायदा होगा आपकी जीत का, है ना? हाँ, पार्टी 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 पार्टी। अच्छा अच्छा, शोर ना मचाओ, मिल जाएगी पार्टी, कहना बढ़िया बढ़िया पकवान बना दें छोरों के लिए। माँ सा, इन बच्चों को आपकी हलवा पूरी नहीं चाहिए, वो सब तो ये अपने घर में भी खा सकते हैं, क्यों बच्चों? हाँ हाँ वही तो। नहीं नहीं, हमें नहीं खानी घर की हलवा पूरी। जग्या, गांव के माताजी के मंदिर के पास मेला लगा है, तो इन सब बच्चों को वहीं ले जा, असल में वही होगी इन सब बच्चों की पार्टी, है ना? वैसे तो नेताजी प्रदर्शन और धरना करते हैं, यहाँ पर तो नेताजी का ही घेराव हो गया, क्या करेंगे आप? अब जनता की मांगों के सामने झुकने के अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? अब इनकी मांगे तो माननी पड़ेंगी भाई। आओ, सब करो से। जी, क्या हो गया? सर्व करो ना उसे। बस भाभी जी, बस। सौरभ बेटा, मेरी भाभी इतने प्यार से डाल रही है, रसा और ले लेना। सर्व कर बेटा उसे। भाभी मुझे दीजिए, मैं सर्व करती। भैया मुझे मना नहीं करेंगे क्यों भैया? नहीं तो तैयार भी हो गए, अभी तो मेले में जाने के लिए वक्त है ना? हाँ भाभी साहब, लेकिन भाई साहब ने कहा उनके आने से पहले ही रेडी रहने के लिए, हम सब रेडी हो गए, है ना? हाँ। अच्छा, तो सब लोग बहुत समझदार हो गए। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं सबके साथ। नंदू,
तुझ पे तो ये रंग बहुत ही ज्यादा जच रहा है। माँ ने तैयार किया है मुझे और मुन्नू को भी तैयार कर रही है। अच्छा अच्छा बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कि क्या खाओगे क्या पियोगे। भाई साहब जब तक आएंगे तब तक कुछ तो खा सकते हो। नहीं नहीं भाभी साहब, मेले में हमें कितनी सारी चीजें खानी है, बुद्धि के बाल, बर्फ का गोला, गुड़ की सेव, मिठाइयाँ। अगर हम घर से ही खा के चले जाएंगे तो फिर हम मेले में क्या खाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। ओहो मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं, कितनी बुद्धू हूँ ना मैं। हाँ सुबी, देखो ऐसे बच्चों की तरह रूठना अच्छी बात नहीं है। खाना तुमने खाया नहीं, चल अभी फल खा। खा लो ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने खुद अपने हाथों से काटे हैं फल और मेरे अलावा किसी ने इसे छुआ तक नहीं है। मुझे नहीं चाहिए। सुबह लो ना। अरे अब खा भी लो ना। बड़ी बुआ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं नहीं अंदर मत आओ, यहां मैं पूजा पाठ करती हूं। और ये क्या है, अभी इतना समझाया मैंने, समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे चिढ़ा रही हो। पूरा दिन लगा दिया शुद्धिकरण में, अब और हिम्मत नहीं हो रही है फिर से करने की। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी बड़ी बुआ जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, खाना भी नहीं खाया आपने। मैं जानती हूँ बड़ी बुआ जी कि महीने के उन दिनों में औरतों को रसोई से दूर रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और तब ये परंपरा गलत भी नहीं थी क्योंकि तब औरतों के पास उन खास दिनों में खुद का ख्याल रखने के साधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है बड़ी बुआ जी, आज कितने ही ऐसे साधन हैं जिनसे उन खास दिनों में एक महिला खुद का ख्याल रख सकती है, उन खास दिनों में भी वो सारे काम कर सकती हैं जो वो हमेशा करती हैं, और इससे ना ही उस पर कोई गलत असर पड़ता है और ना ही उसके आसपास के लोगों पर। अगर आप चाहे तो किसी डॉक्टर से इस बारे में बात कर। बाप रे क्या सब तुम बोल रही हो, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है अपने धर्म को बचाने के लिए। बुआ जी मेरा ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही। नहीं नहीं तुम्हारा मतलब तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारा मतलब तो यही है कि मैं इस घर पे क्यों आई, एक फूहड़ अनपढ़ गवार औरत। बेटा मैं जानती हूँ तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत सुशील हो, और तुम्हारे पुराना ससुराल कितना रोशन ख्याल वाला ससुराल है, कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ, फूहड़ पुराने ख्यालों वाली। पर मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ बेटा, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, मुझे बदलने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही जरूरत। और अब अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो मुझे जरा। ठीक है बड़ी बुआ जी, जैसा आप कह रही हैं मैं वही करूंगी, किसी चीज को छूंगी तक नहीं। लेकिन प्लीज आप खाना खा लीजिए, मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़े ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं आनंद बेटा, बात तुम्हारी नहीं है, वो तो सुबी का पेट ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए मैं फल ले आया था। तो तुम जाओ बेटा आराम करो। बहू के सामने मेरा मजाक उड़ाना अच्छा लगा आपको भैया? देखो ऐसी छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होते, भूल जाओ सब और ये लो खा लो।
मैं नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का पक्का पक्का। आपको मालूम है ना, आपकी बहन कच्ची बात कभी नहीं करती। देखो सुबह, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, वरना फरना क्या, वरना मैं खा लूंगा और क्या। डॉक्टर साहब किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे इसलिए इतना लेट हो गए, वरना उन्होंने तो कल खुद ही कहा था कि बच्चों को मेले में लेकर जाएंगे। मैंने उन्हें फोन किया लेकिन उनका फोन मिल नहीं रहा है। अब तो मेले में नहीं जा सकते, रात होने को आई है। जी जी, मैं सूरज को घर भेज देती हूँ। देखो बच्चों, मैंने कितना कुछ बनाया तुम सबके लिए, समोसा, कचौरी, जलेबी, मठरी, शरबत, कितना कुछ है ना। इतना सब कुछ तो तुम्हारे मेले में भी नहीं मिलता। चलो जल्दी से खा लो, इससे पहले सब ठंडा हो जाए। आ जाओ। नहीं है आप, इतना सारा और इतना मजेदार खाना, जल्दी से खा लो इससे पहले कि हम लोग खत्म कर दें। तो वैसे तुम सबने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो, फिर मैं माखन से कह के तुम सबको घर छुड़वा दूंगी। हमें भूख नहीं है ऐसा, बस हमें घर जाना है। हाँ हाँ, बस घर जा रहे हैं। माखन जी, हुकुम। इन सब बच्चों को गाड़ी में बिठाकर इनके घर छोड़ाइए। जी हुकुम। चलो टाबरो। नंदू तू क्यों ऐसे बैठा हुआ है, तू तो कुछ खा ले। और मन्नू कहाँ है, उसे भी बुला ला। मन्नू तो कब का इंतजार करते करते सो गया, और मुझे भूख नहीं है माँ। क्या हुआ माँ? ये तेरे और विवेक के कपड़े हैं, लेके जाएंगे। अरे सुन ना, ये सौरभ के भी कपड़े रख देना उसके कमरे में। माँ सौरभ अपने कपड़े खुद, कोई परेशानी की बात नहीं है, रख दे जाकर।
तुम मुझसे मिलने आई हो? आओ स्वीट। पर ना डरी हुई क्यों? विवेक भैया भी घर पे नहीं है। अरे विवेक, अच्छा तू आ गया बेटा, रोज इसी तरह समय पे आ जाए कर खाना खाने के लिए। देखना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता तो अपनी सेहत का। जी माँ। सांची कहाँ है? किचन में है क्या? नहीं तो ऊपर कमरे में है, कपड़े रखने गई स्त्री के। मैं देख लेता हूँ। ठीक है बेटा। सौरभ हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं चिल्ला दूंगी। पर मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। एक्चुअली तुम्हें भी अच्छा ही लग रहा है, झटपट आने का तो तुम नाटक कर रही हो। भाभी जी आपने क्यों तकलीफ की? मुझे कह दिया होता मैं आ जाता कपड़े लेने। क्या हुआ सांची? है कुछ नहीं, भाभी जी प्रेस के कपड़े लेकर आई थी तो मैंने इन्हें कहा कि आपने क्यों तकलीफ की, मैं आ जाता नीचे लेने। मैं हमारे कपड़े अरेंज करके खाना लगा देती हूँ, आप आ जाइए। बच्चों ने मेरा बहुत इंतजार किया होगा ना। गम, मैं भी जल्दी ही आने वाला था लेकिन इन वक्त पर कुछ लोग आ गए, अपनी समस्याओं के बारे में बात करना है तो मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। गंगा मैं जानता हूं कि बच्चों को बुरा लगा होगा, सबने मेरा बहुत इंतजार किया होगा लेकिन मैं भी क्या करता, वो काफी दूर से आए थे मुझसे मिलने, परेशान थे, मेरी मदद चाहते थे, हम उन्हें ऐसे बीच में छोड़कर मैं का जिम्मेदारी ली है, निभानी तो पड़ेगी ना। और अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? सार्वजनिक जीवन अपनाने पर इंसान की गतिविधियों का दायरा बढ़ता है, समय बढ़ जाता है, निजी जीवन को दुष्प्रभाव से बचाने के लिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।